नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र तिवारी स्टूडियो प्लेट से आपका स्वागत कर रहा हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2019 के मद्देनजर में मध्य प्रदेश का डिवीजन वाइज स्टडी करा रहा था आपको, और इस डिवीजन वाइज स्टडी में सबसे पहले मैंने भोपाल लिया था। आप मेरे पुराने वीडियो यूट्यूब पर, अनअकैडमी यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने भोपाल की नवाबियत के बारे में काफ़ी बताया है। और भोपाल की नवाबियत के बारे में बताने के बाद मैंने चंबल पकड़ा था, चंबल के डाकू बड़ा हमने समझाए हैं, आप उसको देखें। और उसके बाद सागर स्टेट, सागर डिवीजन को लिया, सागर को डिटेल से मैंने एक एपिसोड में सागर समझाया। दूसरे में खजुराहो है, ओरछा है, वहाँ पे बुंदेली संस्कृति है। उसके बाद मैंने ग्वालियर आपको समझा चुका हूँ, इंदौर पढ़ाया मैंने, फिर उज्जैन पढ़ाया मैंने, उज्जैन इंदौर के बाद आज मैं एक छोटे से संभाग पे जा रहा हूँ जो रीवा है। कहते हैं कि नगर निगम राज्य परिवहन की गाड़ी, और रीवा राज्य परिवहन की गाड़ी, और छत्तीसगढ़ की नारी और रीवा के कर्मचारी बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो रीवा के बारे में हमारा वल्लभ भवन रीवा के लोगों से भरा पड़ा है। संघर्षशील प्रजाति के लोग हैं, रेवाड़ी कहलाते हैं, बघेलखंडी हैं, और जितनी शक्कर में मिठास है उससे ज़्यादा उनकी भाषा में मिठास होती है। आज हम ऐसा पूरा अंचल कवर करेंगे जिसमें सतना भी होगा, रीवा भी होगा, और देखते हैं सिंगरौली तक पहुंचते हैं, सीधी सिंगरौली तक जितनी बातें होंगी उतनी कम होंगी। तो उसके पहले मैं आपको रीवा संभाग, ये रीवा आपको दिखाई दे रहा है, एक पुरानी बस्ती नई बस्ती के बीच में संक्रमणशील नगर है। मंडे टू संडे डिवीजन वाइज स्टडी मैं करा रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 12 जनवरी को है और आपके सिर्फ 50 से 52 दिन बचे हैं। संकट मोचक के रूप में मैं आपको इन अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, अपने गोल को सिलेक्ट कर लें, MPPSC और व्यापम। आप जैसे ही उस गोल को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि काफ़ी फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स आपके हाथ में होता है, आपके पास लाइफ डाउट क्लियरिंग सीजन होते हैं, डिटेल टेस्ट स्टडी होती है, टेस्ट सीरीज होती है, अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपकी सेवा में लगे हुए हैं। हिस्ट्री को आप कई लोगों से पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी को कई लोगों से पढ़ सकते हैं, पॉलिटी को कई लोगों से पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर जो लैंग्वेज और MP स्पेसिफिक टॉपिक हैं बहुत सारे टीचर्स हैं। बस इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और ये सब्सक्रिप्शन आपको 7,000 रुपये में पड़ता है एक साल का। अगर आप मंथली आप ना पे तो 500 रुपये के करीब पड़ेगा। देखिए सैकड़ों टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठे कभी भी पढ़ रहे हैं, आपके पास समय की पाबंदी नहीं है। और अगर इस पर भी अगर सामने एक एंटर रेफरल कोड है उस पर अगर ST लाइव लिख देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ, ST लाइव, शैलेंद्र तिवारी लाइव आप लिख देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए आज हम मध्य प्रदेश के बिल्कुल पूर्वी भाग पर चल रहे हैं, जहाँ आपको सिंगरौली दिख रहा है, सिंगरौली से सीधी दिख रहा है और ऊपर रीवा दिख रहा है, और रीवा एक लगभग त्रिभुजाकार आकार में है। रीवा इस ये इलाहाबाद को टच करता है, तो एक और सतना को टच कर रहा है, एक और सीधी को टच कर रहा है, सिंगरौली से व्यापक दूरी बनाए रखी है, सिंगरौली को रीवा टच नहीं करता है ज्योग्राफी के दृष्टि से देखिए, और ना ही शेड्यूल को करता है। जैसे में मध्य प्रदेश में एक ही बात कहता है, सीधे रहो सतना, सीधे रहो सतना, तो ये सीधी सतना के बीच में रीवा है, ये अंचल एक दूसरे से काफ़ी घुला मिला है। सीधी के लोग रीवा वालों को, रीवा के लोग सीधी वालों को अपना समझते हैं, और यही कारण है। देखिए मैं आपको रीवा के बारे में कुछ बातें बताना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जहाँ तक सबसे पहले रीवा, राजा रामचंद्र राव के ज़माने से रीवा की बातें करूँगा, जहाँ से तानसेन को अकबर अपने दरबार में ले गए थे। तो रीवा भारत में जो विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है आज़ादी के पहले, और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय 1956 में इसे मिलाया गया था मध्य प्रदेश में, तो उस समय ये सफ़ेद शेरों की भूमि कहलाता था। बघेल राजाओं द्वारा सफ़ेद शेरों को पकड़ा गया है, पाला गया है,
और विश्व में सभी सफेद शेर यहीं की देन रहे हैं। और एक कभी कभार व्यापम की परीक्षाओं में पूछा भी था, उस सफेद शेर का नाम क्या था? मोहन नाम था। और मोहन के नाम पर 1987 में भारत में डाक टिकट भी जारी किए थे। तो यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि भाई सुपारी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो सुपारी से खिलौने बनाए जाने वाला जो शहर होता है वो रीवा कहलाता है। अब मैं रीवा के बारे में आता हूँ। दो नदियाँ हैं, एक का नाम बिछिया है और एक का नाम बिहर है। बिछिया और बिहार, इसके संगम पर बसा हुआ शहर जिसे रीवा कहा जाता है। भगवान महामृत्युंजय का यहाँ पर एक विशाल मंदिर है और ये संगम पर ही किला भी है। वहाँ पर यहाँ पर आपसे अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ भरता है, तो आपको सिर्फ एक ही नाम लेना है, रीवा। और बाण सागर बांध, यहाँ पे साथ में बाण सागर बांध की कृपा होती है, नदियों में पानी हमेशा भरा रहता है। तो यहाँ पर आप आनंद लेते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ है मुकुंदपुर वाइट सफारी की, मुकुंदपुर वाइट सफारी। जी हाँ, देखिए मुकुंदपुर वाइट सफारी दोनों जगह पे है, सतना में भी है, रीवा में भी है, पर सतना से ये ज़्यादा दूरी पे पड़ता है, रीवा से थोड़ा सा पास पड़ता है। और आजकल तो रीवा स्टेशन से डायरेक्ट एक बस, सिटी बस की व्यवस्था कर दी गई है कि आप सीधा मुकुंदपुर वाइट सफारी पर जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज़ें। जहाँ तक एक सोलर पार्क की बात मैं कर रहा हूँ, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, अभी रीवा के पास गुड़ तहसील की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। और इससे दिल्ली मेट्रो को बिजली देने की एक योजना है जिस पर काम चल रहा है। अभी कितना कन्फर्म हुआ है, कितना कम्प्लीट हुआ है, मैं नहीं बता सकता हूँ, फिर भी आगे तो केंद्र और राज्य शासन की नीतियों का रीवा संभाग में बड़ी तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। रीवा बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की नगरी रही है। रीवा के लोग चाय के साथ जिस तरीके से चीनी लेते हैं, उसी तरह जिंदगी में राजनीति को भी लेते हैं। आप राजनीति पर बातें करते हुए रीवा में हर आदमी को देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टेड रखता है राजनीति में। फिर भी यहाँ विकास के नाम पर यह क्षेत्र बड़ा पिछड़ा रहा है। एक ओर श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गज, दूसरी ओर अर्जुन सिंह जैसे दिग्गजों की भूमि रही है। रीवा में राजनीति का प्रारंभिक गढ़ रहा है। एक ओर इलाहाबाद से टच रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी बड़ा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। भारत के मानचित्र पर ये अनोखा शहर है। और यहाँ इसकी सीमाएं जहाँ तक मैं आपको अभी आपको बता रहा था, ये दक्षिण में सीधी जिले को टच करेगा, उत्तर प्रदेश यहाँ मैंने आपको बताया था, दक्षिण में ये सीधी जिले को टच कर रहा है और पश्चिम में ये सतना जिले को टच करता है। बाकी जगह पे इलाहाबाद को टच करेगा और ये दोनों साइड पे। अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको कैमूर की पहाड़ियाँ रीवा में बिखरी हुई हैं, तो एक और बिंद की पहाड़ियाँ हैं, रीवा का पठारीय क्षेत्र है। तो रीवा मुख्यतः एक पठार है, पठार समझते हैं आप, प्लेटू है। और इसका अगर आप देखेंगे तो दक्षिण और पूर्वी हिस्सा जो थोड़ा सा काफ़ी ऊंचा होता है, जिले में अनेक विविधताएं हैं, वाटरफॉल भी हैं और वर्षा का पानी के लिए वहाँ पर तीन नदियाँ हैं जिनको कहते हैं टोंस नदी कहते हैं। बीहड़ भी अपने आप में बड़ी नदी है, तमसा नदी है और सोन नदी होती है। टोंस और तमसा नदियाँ जो होती हैं वो कैमूर का पानी ले जाती हैं। दोस्तों इस जिले की ग्रामीण जनसंख्या की संख्या ज़्यादा है, फिर भी 2,23,00,000 लोग इस पूरे ज़िले में निवास करते हैं, जिनमें से लगभग 12 और 11 का आंकड़ा है कि 12 लाख पुरुष रहते हैं, 11 लाख महिलाएं हैं। और यहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो 375 लोग रहते हैं। इस साल मध्य प्रदेश में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिंगानुपात 1,000 लड़कियों पर 926 है, पर ये लिंगानुपात बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा रीवा प्रशासन को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि इस साल रीवा का जो लिंगानुपात है वो नए बच्चों में जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। रीवा वैसे बड़े शिक्षित लोगों की नगरी कहलाती है। यहाँ पर रोजगार की काफ़ी कमी है,
काफ़ी कमी है और काफ़ी कमी है यहाँ पे। 71% लोग तो शिक्षित होने के बावजूद भी यहाँ पे मैंने देखा है कि भोपाल में, इंदौर में अधिकतर लोग जीवन यापन के लिए संघर्षशील होते हैं और छोटी नौकरियाँ भी करते हैं। बैटर वगैरह, होटलों के बैटर वगैरह भी रीवा से देखे जा सकते हैं। हालांकि शिक्षा के माध्यम में बहुत बड़े बड़े संस्थान नहीं है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को अगर हम छोड़ दें तो। इसके अलावा एक माखनलाल चतुर्वेदी की एक क्षेत्रीय शाखा वहाँ पर डली है, भीमराव अंबेडकर का भी एक क्षेत्रीय शाखा अभी बन रही है, और इंजीनियरिंग कॉलेज को जरूर वहाँ पर डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया है, पर ये कहूँगा कि फिर भी शिक्षा की बहुत कमी है। अगर आप रीवा में जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये कि बहुटी जलप्रपात, बहुटी है यहाँ पर, बहुटी जलप्रपात जो होता है वो रीवा में एक बहुत ही सुंदर जगह है। क्योंकि आप यहाँ पे एक नहीं दो जलप्रपात मिलते हैं, क्योंकि चचाई जलप्रपात भी मिलेगा। चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर बसा है और कोठार, ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में कोठार का बौद्ध स्तूप कहाँ पाया जाता है, तो कोठार का बौद्ध स्तूप जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, कोठार का बौद्ध स्तूप रीवा में पाया जाता है। मैं गोविंदगढ़ की बात कर लेता हूँ, गोविंदगढ़ का एक किला है और बड़ा राजवंश यहाँ चलता आता है। इस किले पर सबसे पहले जो एक सवेश्य रखा गया था, अब कुछ लोग कहते हैं कि गोविंदगढ़ का जो तालाब है वो एशिया का सबसे बड़ा तालाब है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये भोपाल की बात सेकेंड नंबर का तालाब है। तो यहाँ पर एक लक्ष्मण बाग भी बनाया गया है, और जो लक्ष्मण बाग में चारों ओर, लक्ष्मण बाग में चारों ओर चारों ओर जो भगवान है, भगवान की प्रतिमाएं रखी गई हैं, मंदिर से सजाया गया है। मैं आपको यहाँ मैं पेन ले लूँ आपको एक बार, तो यहाँ पे मैं रीवा की प्रमुख चीज़ें बता रहा था। तो सबसे पहले मैंने आपको वाटरफॉल बताए हैं, जलप्रपात बताए हैं, जलप्रपात दो जलप्रपात हैं यहाँ पे, बहुटी जलप्रपात है और बहुटी जलप्रपात के बाद चचाई जलप्रपात होता है। मैंने आपको एक कोठार, जो कि परीक्षाओं का क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे कभी भी पूछा जा सकता है, कोठार का बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, तो कोठार का बौद्ध स्तूप इसी जिले में पड़ता है। मैं गोविंदगढ़ के तालाब की बात कर रहा था, गोविंदगढ़ का किला, गोविंदगढ़ का तालाब, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गोविंदगढ़ का तालाब देखने लायक है। और रीवा में एक लक्ष्मण धाम मंदिर भी है, लक्ष्मण धाम मंदिर भी है रीवा में, लक्ष्मण धाम मंदिर को लक्ष्मण बाग धाम कहते हैं, और वहाँ पर बघेलन का किला है, या राजा बघेल राजाओं का किला, बघेलन किला, बघेल राजाओं का किला एक अलग दर्शनीय चीज़ है, बघेल राजाओं का किला। मैं रीवा पर यह चर्चा आपके सामने, आपके समक्ष कर रहा था। तो मैं गोविंदगढ़ की पास मैंने बात कर ही ली है आपसे, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ कि गोविंदगढ़ में मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र है। तो ये आम जी 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 भाई, पूरा रीवा आम लोगों से बसा हुआ है, यहाँ कुछ भी कोई भी खास लोग नहीं रहते हैं, और जो भी, इसलिए आम अनुसंधान केंद्र रीवा में बनाया गया है। तो रीवा में पुलिस डिपार्टमेंट, रीवा कब से जुड़ा है, जमाने से जुड़ा है, क्यों, क्योंकि रीवा में पुलिस मोटर वर्कशॉप, पुलिस मोटर वर्कशॉप है। तो अब तो ये उतना यूजफुल नहीं रहा, एक ज़माना था जब ऑटोमोबाइल, तो पुलिस की गाड़ियाँ ख़राब होती थी तो सारी सुधारने के लिए रीवा जाती थी, और अब तो मोटर वर्कशॉप का थोड़ा ऑब्जेक्ट कम हो गया है, भोपाल भी इसका सेंटर बन गया है, और अब गाड़ियाँ के बिगड़ने पर कोई वर्कशॉप ले जाने का टेपेटर भी खत्म हो गया है, क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ता है। और यहाँ पर अगर मैं सिरमौर की बात कर लूँ, तो जल विद्युत केंद्र के रूप में सिरमौर को आप याद रखिए, ये भी रीवा का भाग है, सिरमौर ये भी रीवा का भाग है, सिरमौर भाग है रीवा। मैंने आपको कहा था कि राजा रामचंद्र राव क्या जो दरबार था वहाँ पे तानसेन काम किया करते थे, और इलाहाबाद से है। राजा रामचंद्र राव के बारे में ये बता दूं कि मैं अकबर बचपन में राजा रामचंद्र राव के पास भी रुके थे। राजा रामचंद्र राव और अकबर बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे। इलाहाबाद से लौटते समय एक रात तानसेन की तान सुनवा दी रामचंद्र राव ने, तो अगले दिन आगरा के किले में जब अकबर पहुंचे तो उन्होंने हुक्म दिया कि राजा रामचंद्र राव को कि तुरंत ही तानसेन को हमारे पास पहुंचा दिया जाए। यहाँ पे मध्य प्रदेश का
एकमात्र सैनिक स्कूल, जी हाँ, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल जो है, वह भले ही अभी को बहुत सारी घोषणाएं चल रही हैं पर अमल में मध्य प्रदेश का एक बहुत पुराना सैनिक स्कूल है जो रीवा में। मैंने आपको महामृत्युंजय का मेला बताया, मैंने कहा सुपाड़ी से खिलौने बनाने का उद्देश्य उद्योग है, जो छोटे छोटे से खिलौने बनाने का वो यहाँ पर है। और यहाँ पर चीनी मिट्टी, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम मिलता है। मेला बार बार महामृत्युंजय का मेला मैं बोल रहा हूँ, बसंत पंचमी और शिवरात्रि दोनों दिन लगता है इस मेले में। और अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो एक हमें लेवी आंदोलन मिलता है, जबरिया लेवी आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम में चावल के ऊपर ये आंदोलन हुआ था, एक्स्ट्रा टैक्स लेने पर ये आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन रीवा से हुआ था और यहाँ पे पुरातत्व संग्रहालय है, एक पंचमुठा मंदिर है, भगवान शंकराचार्य द्वारा यहाँ पे आया था, और चिरहुला नाथ का हनुमान मंदिर है जिसकी चर्चा मैं करता हूँ। चिरहुला नाथ का मंदिर होता है, ये जो चिरहुला नाथ का मंदिर होता है ये हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, और उस समय तत्कालीन राजा महाराजा भावशाह ने बनवाया था इसको। मंदिर एक मंदिर ही मंदिर नहीं है, एक सिद्ध पीठ है, हजारों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं मंगलवार और शनिवार को, तो आपको लाइन में लगा के दर्शन होते हैं। और कहा जाता है कि चिरहुलनाथ जी ने हनुमान जी की जो स्थापना की थी वो वहाँ के महंत थे, जो रामदास के शिष्य हनुमान दास साहब ने ये किया था, बड़ा हिस्टोरिकल था। और हनुमान दास जो थे उन्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त थी, और वर्तमान समय में इस मंदिर को एक ट्रस्ट के द्वारा देखभाल किया जाता है, पर मंदिर परिसर के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित कर दिए गए हैं। और यहाँ पर तो मैं इस तरीके से मैं आपको रीवा को बाय बाय करता हूँ, और रीवा के बाद एक नए जिले पर बात करूँगा, और उस जिले का नाम है सतना। आज कंपेरेटिवली सतना विंध्य क्षेत्र में सबसे विकासशील जिला माना जाएगा, भले ही रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, परंतु ये यह भी एक उत्तर प्रदेश के टच को रखता है, और इसकी सीमाएं बांदा जिले से मिलती हैं। और यहाँ पर जो रीवा का सिरमौर है, त्योंथर है, हाजूर है, ये जो तहसील है, और वो एक आध तहसील आपको सीधी जिले से मिलती हुई लग जाती है। लेकिन पश्चिमी साइड पन्ना जिला, संपूर्ण पश्चिम जिला पन्ना और संपूर्ण दक्षिणी जिला कटनी जिले से लगता है, तो जो मुरवारा और उमरिया जिले की जो तहसीलें हैं, कुछ बांधवगढ़ शहडोल की जो ब्यावरी तहसील है वो भी एक सीमा को बना रही है, तो सतना जिला जो होता है वो बिंद पठार से लगभग 10,000 से लगभग 11,000 की ऊंचाई पर स्थित होता है। तो मैं सतना के आगे बारे में ये भी बता दूंगा कि वहीं पास में नागौत पड़ता है, और सतना जिला अनेक अपने इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, कि अब इसमें आदित्य सिंह जी हैं जो उचेरा के निवासी हैं, और उन्होंने अभी अभी एक रिकॉर्ड बनाया था कि एक मिनट में 157 पुशअप किए थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो वो पतंजलि वहाँ पर अभी हरिहर योगपीठ हरिद्वार वहाँ पर अध्यापन के काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सपूतों का गांव है जिसका नाम चूंद बोला जाता है, तो ये चूंद को सपूतों का शहीदों का गांव कहा जाता है, सपूत जो कि भारत माता के लिए बड़े यहाँ से सेना में लोग गए हैं और कहते हैं, तो यहाँ पर भारतीय सेना में, थल सेना में, वायु सेना में और जल सेना में जो हैं, तो यहाँ पर परचम लहराया है। इस शहर के 300 से ज़्यादा लोग आज भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं। ये बड़ा एक फिगर है कि अगर 300 लोग होते हैं तो एक गांव के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी संख्या है। और मैं सतना जिले को आगे हम विस्तारित करते हैं, हम चून में की देशभक्ति को सलाम करते हैं, चून की एकता और अखंडता के लिए, अखंड भारत को बनाए रखने के लिए चून के सभी परिवारों का धन्यवाद देते हैं जो कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। तो मैं चित्रकूट धाम पर पहुंचना चाहता था, क्योंकि जैसे ही हम सतना आते हैं
तो हम सतना कम आते हैं, हम चित्रकूट ज़्यादा रहते हैं। और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में चित्रकूट भाई एक ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश में भी पढ़ता है और उत्तर प्रदेश में भी पढ़ता है। अभी मोबाइल का ज़माना है, मैं जब चित्रकूट गया तो मैंने ये देखा कि मेरा जो उस समय रोमिंग में बैलेंस बड़ा कटता था, तो मैं चित्रकूट में अगर मंदिर के अंदर रहता था तो मैं मध्य प्रदेश में रहता था, मंदिर के बाहर चित्रकूट की जगह लगती थी। मेरे मोबाइल का बैलेंस मैंने 3 बार डलवाया, 3 बार उड़ गया। तो यहाँ आप सोचते हैं कि जो चित्रकूट होता है, तो चित्रकूट में कई लोगों के मकान ऐसे बने हैं कि उनके ड्राइंग रूम मध्य प्रदेश में हैं और सोने जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, उनका किचन और अन्य चीज़ें उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ पे करबी भी है, मध्य करबी, करबी बसा हुआ है मंदाकिनी नदी की तट पर। और यहाँ पर चित्रकूट के बारे में मैं अब आपको आगे बताना शुरू करता हूँ कि चित्रकूट मध्य प्रदेश में मंदाकिनी नदी के तट पर एक स्थित है चित्रकूट। और चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और कहा जाता है कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित होने के बाद वहाँ रानी सती अनुसुईया का एक मंदिर है, सती अनुसुईया निवास कर रही थी। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश को उन्होंने बाल रूप में लगा दिया था, और भगवान राम ने सीता के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में से कहा जाता है कि 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। आज वहाँ पर ऋषि अत्रि और अनुसुईया ने भी ध्यान लगाया था। ये पावन भूमि है जिसे नमन करना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर, यह आपने सुना है। तुलसीदास ने चित्रकूट की महिमा का बड़ा गान किया है, और चित्रकूट के घाटों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी संत आए थे। तो मैं भरत मिलाप का मंदिर है, और यहाँ पर लोकप्रिय कामतगिरी की कोई परिक्रमा लोग करते हैं, और कामतानाथ का भी एक मंदिर है। तो चित्रकूट में अहिल्या का एक शिला स्फटक है। चित्रकूट में हम जाते हैं तो चित्रकूट में गुप्त गोदावरी है, कहते हैं कि जो गोदावरी है वो गुप्त रूप से यहाँ भी है। तो ये गुप्त गोदावरी बड़ा 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 अच्छा दृश्य रहता है। गुप्त गोदावरी आप अंदर जाते हो चट्टानों के बीच में से, तो आपको बहुत सारे चमगादड़ परेशान कर सकते हैं। नीचे पानी में काई लगी है, एडवेंचरस जगह है, बहुत ही एडवेंचरस जगह है। पर चित्रकूट में कुछ मध्य प्रदेश टूरिज्म पर्यटन की बहुत खास सुविधाएं नहीं हैं, ये बड़ी दुखद विषय का बन जाता है। चित्रकूट में एक नेत्रा अस्पताल भी है, गरीब लोगों के लिए बहुत ही ऑपरेशन कराने का काफ़ी बड़ा काम करती है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैहर आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में सतना जो जिला होता है, सतना जिला होता है, सतना की मैया शारदा मैया, शारदा मैया एक प्रसिद्ध हिंदू स्थल है, और नैसर्गिक रूप से कैमूर और बिंद की पर्वतमालाओं पर इस तरीके से श्रेणियों के गोद में अटखेलियाँ खेलती हुई तमसा के तट पर त्रिकूट पर्वत की पर्वतमालाओं के बीच में 600 फीट ऊंचाई पर एक माता जी विराजमान है, जिन्हें माँ मैयर की माँ शारदा माँ कहते हैं। ये 108 शक्तिपीठों में से एक पीठ है, और यह जो प्रमुख नरसिंह भगवान के नाम से, इसे नरसिंह पीठ के नाम से भी जाना जाता है। और ऐतिहासिक तथ्यों का अगर हम कहते हैं तो रानी मलहना थी और चंदेल वंश के अंतिम राजा थे राजा परिमल देव की पत्नी थी मलहना। राजा परिमल थोड़ा भीरू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और कहते हैं कि रानी मलहना ही युद्ध किया करती थी। उनके 2 सैनिक थे, सेनापति थे, सरदार थे, बड़े बहादुर थे, जिनका नाम था आला और उदल। और आला और उदल ने इस तरीके से 51 काल का युद्धों का इतिहास है उनका, और बाद में एक युद्ध में मारे जाते हैं। तो कहा तो जाता है कि आल्हा तो मारा गया था, परंतु उदल आज भी जिंदा है, और वो उदल आज भी माता के दर्शन करने के लिए कभी कभी आते हैं। तो ये किदवंती भी हो सकती है, कहानी भी हो सकती है, सत्य का इसका मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे दक्ष,
प्रजापति का विवाह मनु की जो पुत्री थी प्रसूति से हुआ था और प्रसूति ने 16 कन्याओं को जन्म दिया था जिनमें से स्वाहा एक कन्या अग्निदेव के साथ और स्वधा नामक एक कन्या पितृगण के साथ और सती नामक एक कन्या भगवान शंकर के साथ और शेष 13 कन्याओं का धर्म कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ था। तो उनमें से एक यहाँ पर जो मूर्ति होती है एक माता होती है तो वहीं होती हैं। तो हमने देखा इस जगह पे, इस जगह पे आप जाते हो तो मैं सतना को आपका भ्रमण करा रहा था तो चित्रकूट जाता है, शारदा जाते हैं, एक आप मैयर में एक अखाड़ा देखने जाते हैं जो अलाउद्दीन का अखाड़ा है। मैं मैयर से बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पहले उस्ताद अलाउद्दीन खां को प्रणाम करूंगा क्योंकि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत में वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि संगीत भारतीय संगीत में पितामह की भूमिका रहते हैं पिछले 100 सालों से। उनकी कर्म स्थली उनकी यही थी, आला मैयर से ही वो सब कुछ किया करते थे। वे शिव के महान उपासक थे और माता रानी को मैयर की जो माता थी उनको 300 जीने चढ़कर सीढ़ियां चढ़कर रोज सुबह 4 बजे अपने भजन सुनाने अलाउद्दीन खां जाते थे और लोग कहते थे कि 4 बजे जब वह भजन वहाँ पर माँ के सामने रोज अपनी सुरीली आवाज में अपने वाद्य यंत्र के साथ वो भजन करते थे तो शेर चीते भालू जंगल के जानवर जितने भी थे वो उनके बगल में आकर वहाँ पर बैठ जाया करते थे। आज भी मैयर बैंड जाना जाता है कि जो उनके अनुयायी होते हैं। तो उनकी पुत्री का जो विवाह था मशहूर रविशंकर के साथ हुआ था और रविशंकर और उदय शंकर और उस्ताद बहुत सारे हिंदुस्तान के जितने भी संगीतज्ञ हैं वो सब उस्ताद के शिष्य रहे हैं, अलाउद्दीन खां साहब के रहे हैं और अलाउद्दीन खां एक बड़े धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व रहे हैं। तो सतना जिला ऐतिहासिक रूप से बघेलखंड क्षेत्र में आता है। इस पर रीवा राज घराने का शासन चलता रहा, बाद में अंग्रेजियत हुकूमत हो गई, मैयर और नागौद से लेकर अनेक क्षेत्र ये इसमें आते हैं और बौद्धों के समय भी ये बड़ा महाभारत के समय भी सतना का उद्देश्य उल्लेख आता है और बौद्ध धर्म के समय भी सतना का उल्लेख आता है। तो मैं सतना में अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की कुल सीमेंट के उत्पादन पर चले जाते हैं तो सतना में 10% का जो 10% सीमेंट का उत्पादन होता है, 10% का उत्पादन होता है सीमेंट का उत्पादन होता है। और यहीं पर मैं आगे अगर चित्रकूट का कोई क्वेश्चन बनता है तो चित्रकूट में तुलसी महोत्सव का आयोजन होता है। सतना में जो मैं बता रहा था तो ये तुलसी महोत्सव का आयोजन होता है और ये कहाँ पे होता है, सतना में होता है। तो तुलसी का मैंने आपको बताया सतना में, तो मैं सतना के आसपास हीरे की खदानें मझगवा तक जाऊंगा क्योंकि जो मझगवा तक पन्ना से खदानें आती हैं वो मझगवा में जाती हैं तो हीरा का भंडार यहाँ पे प्राप्त होता है मझगवा में। और नागौद में अगर आप बात करते हैं तो पुरातत्व से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नचना कुठार मंदिर जो होता है वो नागौद के पास होता है। शिव और पार्वती का जो मंदिर है नचना कुठार वह यहीं पर पाया जाता है। और सतना में मैंने आपको मैयर को बताया था और यहाँ पर कुछ महात्मा गांधी एक चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी बनाया गया है, ओपन यूनिवर्सिटीज के नाम पर चित्रकूट बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर सतना जिले में अगर मैंने बौद्धों की बात की है तो एक भरहुत स्तूप भी पाया जाता है, शुंग राजाओं ने इसको का निर्माण करवाया था और इसकी बड़ी सुंदर कला करवाई थी। तो इस तरीके से सतना नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम सतना पड़ा था। यह औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न जिला बनता जा रहा है, रेलवे ट्रैक होने का इसको सीधा फायदा मिलता है। और मैं बस सतना के बाद अपना व्याख्यान जो है वो सिंगरौली पे लेके आता हूँ। देखिए सिंगरौली को काटकर मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वोत्तर जिला जो बनाया वो सिंगरौली बनाया है और सीधी और सिंगरौली की बात मैं साथ साथ कर लेना चाहता हूँ क्योंकि ये दोनों जिले एक दूसरे से काट देने के बाद बहुत खुश नहीं हैं। तो इस तरीके से काट देने के बाद बहुत खुश नहीं है तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो सीधी मैं पहले सीधी पे आपको बात कर लेता हूँ
कि ये बड़ा मध्य प्रदेश का वो अंचल है जहाँ पर पूरी तरीके से बघेलखंड है, जो बघेलखंड है तो उसमें सीधी मुख्य भाग आता है और हमने अभी उसको काट दिया, सिंगरौली जिले को अलग कर दिया, वरना पहले ये बहुत बड़ा जिला था। संजय नेशनल पार्क ये कवर करता है और यहाँ पर डुबरी करके जगह है पे जहाँ पर कोयला की खदानें पाई जाती हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान का अब अधिकांश भाग हालांकि छत्तीसगढ़ में चला गया है, लेकिन आज भी सोन नदी पर यहाँ पर घड़ियाल आश्रम होता है और इस घड़ियाल आश्रम होता है और सीधी जिले में बाण सागर परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। चुराहट का नाम किसी लाटरी कांड के लेकर आता था, चुराहट लाटरी कांड के कारण ये आता था, और जबकि जो चुराहट था वो अर्जुन सिंह के का क्षेत्र है, उसके कारण बड़ा फेमस माना जाता है। सिंगरौली में सारी कोयले की खदानें चली गई हैं, फिर भी बगदरा खदान अभी भी सीधी के पास रह जाती है और सीधी के ज़िले में सोन नदी जाती है। इंडस्ट्रियल तौर पर बहुत डेवलप नहीं है, आज भी सीधी के बेल्ट काफ़ी पीछे हुए हैं। एजुकेशन लोग शिक्षित जरूर हैं पर आज भी उन्हें काम की सख्त ज़रूरत है। एक कुशल श्रम शक्ति का ये बेल्ट होने के बाद भी यहाँ पर रोजगार के संसाधनों की भारी कमी होती है। मैं सिंगरौली ज़िले की बात करता हूँ, अगर सिंगरौली को काटा है तो आप यह है छत्तीसगढ़ और सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को सिंगरौली टच करता है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमोत्तर जिला माना जाता है और अपन जो चीज़ है सिंगरौली में वो है उत्तम श्रेणी का कोयला। तो कोयले की सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर सिर्फ कोयले की सर्वश्रेष्ठ वैरायटी नहीं मिलती है। देखिए कोयला निकाला जाता है खदानों से, खदानों में कोयले की तहें होती हैं कि वो मोटी कितनी तह है ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखिए साहब शहडोल के अनूपपुर के पास भले ही सुहागपुर बेल्ट जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा एरिया है, काय का कोयले का क्षेत्र का सबसे ज़्यादा एरिया है, पर सिंगरौली वो एरिया है जहाँ पर परत सबसे मोटी है, कोयले की क्वालिटी सबसे अच्छी है और कोयला सबसे बढ़िया मिलता है वहाँ पे। और मात्रात्मक रूप से देखिए मैं बोल रहा हूँ मात्रात्मक रूप से भी सुहागपुर सिर्फ एरिया बड़ा है पर सुहागपुर से ज़्यादा कोयला जो मिलता है वो मिलता है मध्य सिंगरौली में कोयला मिलता है और सिंगरौली से मानक मध्यान्ह भी होकर निकलता है। और आज सिंगरौली को कहते हैं कि पिछले 25 साल में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आया है वो सिंगरौली में आ रहा है, उसका एक बड़ा रीज़न है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी विद्युत बनाने के चक्कर में अब प्राइवेट सेक्टर्स इस क्षेत्र में उतर रहे हैं। तो 22 परियोजनाओं का पर काम चल रहा है सिंगरौली में और जब ये सारी परियोजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं निश्चित तौर पर सिंगरौली की ये सारी कंप्लीट हो जाने से एक इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मैं इस तरीके से सिंगरौली सीधी आप पर मैंने बात की है। मुख्यालय बेड़न है और मुख्यालय बेड़न होने के बाद भी सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, भारत की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। 4 ग्रिड होते हैं जो जहाँ से ये बिजली फेंकता है, मध्य प्रदेश को फेंकता है, गुजरात को फेंकता है, महाराष्ट्र को फेंकता है और गोवा को फेंकता है। अगर वहाँ से ग्रिड खराब होगा तो 4 स्टेट की बिजली को कस की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको सिंगरौली बताया, संभावनाओं से भरा हुआ जिला है वो सिंगरौली होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अब ये हमने आपको रीवा संभाग समझा दिया था। तो रीवा में अब हम मैं यही कहूँगा कि प्लस कोर्सों पे आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 6 माह का या 1 साल का लीजिए, ST लाइव लिख दीजिए और ST लाइव लिखने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं
तो आप इन्हें लाइक करिए, आप इन्हें शेयर करिए, आप इसकी एक घंटी है वो घंटी को ज़रूर बजा दीजिए। इस घंटी को आप बजाएंगे तो मेरा दिल खुश हो जाता है क्योंकि आपके पास अगली बार नोटिफिकेशन पहुंच जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही प्यार को बनाए रखिए। एमपीपीएससी में लगातार मेहनत करिए, मुख्य परीक्षा की मुझे खबर सुनाइए, आप सेलेक्ट होइए, मैं आपको मीठा खिलाऊँगा। नमस्कार।